अरुणाचल में सर ये आपका पहला दौरा है जी, तो किस तरह से सर फुटबॉल को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने का इरादा है? देखिए, ये मेरा भी पहला दौरा है अरुणाचल में, और भारतीय फुटबॉल संघ के, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के किसी भी प्रेसिडेंट पहली बार अरुणाचल में आ रहे हैं, और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, और जो कि अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने एक फुटबॉल का माहौल बनाया है, और लगातार मैं उनसे जब संपर्क में रहा, उन्होंने हमेशा इस विषय को सामने रखा, चर्चे में रखा कि अरुणाचल में फुटबॉल के लिए बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावना है। हालांकि लॉजिस्टिकली कुछ प्रॉब्लम है, हम जानते हैं, इस कारण से इन बच्चों को वो सुविधा मिलने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती है, जो दूसरे प्रदेश के बच्चों को नहीं उस कठिनाइयाँ है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, और मुझे पूरा विश्वास है कि अरुणाचल आगे चल के यहाँ के बहुत सारे बच्चे भी नेशनल फुटबॉल में खेलने के लिए कामयाब होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो सर नॉर्थ ईस्ट में क्या इरादा है सर? नॉर्थ ईस्ट में जैसे नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी लड़के आगे निकल के आ रहे हैं, जैसे ग्यामर निकुम अरुणाचल से भी अभी रिसेंटली बहुत अच्छा खेला सर, तो क्या इरादा है सर नॉर्थ ईस्ट को देखने का सर आपकी तरफ? मैं तो ये कहूँगा, देखिए मैं अभी आसाम से आ रहा हूँ, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेश यहाँ पे फुटबॉल एक ऑटोमेटिक चॉइस है। दो कारण हो सकता है, एक बच्चों जब बचपन से स्कूल जाते हैं तो उनको जिस कारण से जो इंक्लाइनेशन चल के जाना पड़ता है, उनके लोअर मसल बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये जो है एक एथलीट के लिए, एक फुटबॉलर के लिए बहुत एडवांटेज है, जो बहुत कम समय से उसका फिजिकल जो ग्रोथ है बहुत एथलीट की तरह होता है। इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे बच्चे आप देखेंगे भारत में, दूसरे प्रदेशों से बच्चों से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी एंड्योरेंस अच्छा होता है, और इनके जो क्विकनेस है वो भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि यदि इनके बेसिक्स पे काम किया जाए, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जो हम जिसे ग्रास रूट डेवलपमेंट कहते हैं, यदि ग्रास रूट पे काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ अरुणाचल और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेश के बच्चे उन लेवल में फुटबॉल खेल सकता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है।